गीता, आज एक नई रिसर्च के साथ फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और काफी टाइम के बाद मैंने अपना ब्लॉग बनाया है, क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर गई थी, थोड़ी सी बिजी थी, इस वजह से मैं अपना ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। तो आज मैं आई थिंक 15 दिन के बाद अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आइए, आज मैंने एक नई रिसर्च, नया टॉपिक निकाला है, नया रिसर्च निकाला है, वो है ट्री, पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं। तो पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं, आइए जान लेते हैं पेड़ हमें क्यों लगाना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो जैसे अभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें थोड़ा सा ऑक्सीजन देता है, उसका बहुत बड़ा बिल बनाता है, तो हम उसको खुशी खुशी पे कर देते हैं। लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि अगर हम पेड़ लगाते हैं तो उससे तो हमें फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हम वहां पे ज्यादा ध्यान दें जहां पे सबको ऑक्सीजन मिल रहा है। और ऑक्सीजन हमें दिन में कितना चाहिए वो भी हम जान लेते हैं, हमें प्रतिदिन 5500 लीटर ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए हमें फ्रेश एयर चाहिए, फ्रेश एयर अब हमें कहाँ से मिलेगी, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। हमें कभी कभी गार्डन एरिया में जाना चाहिए, ओपन प्लेस में जाना चाहिए, कभी कभी हमें हिल स्टेशन जाना चाहिए जहां से हमें वो ऑक्सीजन मिलता रहे। और हमें गार्डन तो हमें रोज मॉर्निंग में जाना ही चाहिए, ताकि हमें पूरे दिन के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वो हमें वहां से इजिली मिल जाए। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का बात, कि हम ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं पेड़ों से। दूसरा, पेड़ लगाना और क्यों जरूरी है। पेड़ लगाने से सुंदर लगता है, अपना आसपास का एनवायरमेंट बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। अगर हम ओपन प्लेसेस में जाते हैं और घर पे गार्डनिंग करते हैं, बालकनी में हमारे गार्डनिंग करते हैं, अच्छे से उसको सजा के रखते हैं, सामने हमारे पेड़ ही पेड़ हो, पूरा हरा भरा माहौल हो, तो देखो कितना अच्छा लगता है, ऐसे सुन के कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, तो लगाने के बाद कितना अच्छा लगेगा।